साइबर एथिक्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉइंग अ गुड हेल्थ। माय नेम इज़ राबिया सलमान एंड हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर। नाउ आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। हमने अपना चैप्टर का स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 एंड डिजिटल सिटीजनशिप में। उसमें हमने कल बात की थी एथिक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे साइबर एथिक्स के बारे में। साइबर एथिक्स मीन्स क्या होता है? आपको एथिक्स के बारे में मैंने बताया था इखलाकियात होती हैं, किस तरह हमने कोई काम करना होता है। तो साइबर एथिक्स की बात करें तो टर्म साइबर एथिक्स इज रेफर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। मॉरल वैल्यूज़ होती हैं आपने जो रूल्स देने थे और कोड ऑफ बिहेवियरल जो होता है आपने अप्लाइड करना होता है ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। दोबारा मैं आपको बताती हूँ, द टर्म साइबर एथिक्स रेफर्स टू द कोड ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स आपने अप्लाई करने होते हैं और बिहेवियर आपने अप्लाई करना होता है टू द ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। ऑनलाइन एनवायरनमेंट में आपने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करना होता है कि ताकि आपके एथिक्स का ख्याल रखा जाए, ठीक है। ये साइबर एथिक्स हो गए, यानी कि किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। और ये सारा जो काम हो रहा होता है कि आपके ऑनलाइन एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, डेट इज़ कॉल्ड साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये आपको क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होता है। साइबर एथिक्स में सबसे पहले जो चीज़ आती है साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग के बाद इंटरनेट हैकिंग इस पर आ जाती है। साइबर बुलिंग क्या है, इंटरनेट हैकिंग क्या है, फिर क्राइम एंड पनिशमेंट आ जाती है। क्राइम एंड पनिशमेंट के बाद आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो आप करेंगे कॉपीराइट के बारे में, और कॉपीराइट के बाद हम बात करेंगे लास्ट में बिहेवियर, अब क्या बिहेवियर है इंटरनेट का। ये सारी चीज़ें साइबर एथिक्स में आपके पास आ जाती हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, फॉलोइंग आर दिस सम रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हमने किन रूल्स और रेगुलेशंस को लेके चलना होता है साइबर एथिक्स में। हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखना होता है। हमारा टॉपिक है फॉलोइंग आर सम एथिकल रूल्स। अभी हमने एथिकल रूल्स के बारे में पढ़ा कि यह ऑनलाइन हमारा काम हो रहा होता है, हमने इसको किस तरह हैंडल करना होता है, ये किस तरह काम कर रहा होता है। कुछ कोड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपने अप्लाई करने होते हैं। अब हम रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स में जो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि डोंट यूज़ रूड और ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करें कि जो आपकी बहुत रूड हो, जो ऑफेंसिव हो, जो किसी को भी आपकी बात बुरी लगे, ठीक है। डोंट साइबर बुलिंग, आपको साइबर बुलिंग में है कोई इस तरह की बात आपने कर दी है, कोई हरासमेंट वाली, कोई अटैक वाली, अब्यूज़ वाली, इस तरह की कोई बात नहीं करनी, ठीक है। डोंट ब्रेक समवन कंप्यूटर, आपने किसी का कंप्यूटर विदाउट उसकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है ना, कि कोई अपना सिस्टम छोड़ के गया हुआ है आप उसका सिस्टम इस्तेमाल करने लगे हैं, ये सारे रूल्स में आता है। डोंट यूज़ समवन पासवर्ड, आप किसी का पासवर्ड मत इस्तेमाल करें। इन केस अगर आपको उसका पासवर्ड पता भी है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप उसके पासवर्ड को इस्तेमाल ना करें, ठीक है। डोंट अटेम्प्ट टू इंटेक्ट इन द वे ऑफ कंप्यूटर्स, के आप किसी के भी काम में इंटरफेयर करें, मुदाखलत करें, जो भी काम हो रहा है, जिस तरह का भी हो रहा है, आप डोंट अटेम्प्ट टू इंटेक्ट टू इन अ वे, आप अपने काम से काम रखें, आपको इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करना चाहिए। ये कुछ रूल्स हैं, ये एथिकल रूल्स हैं कि हमें विदाउट परमिशन किसी भी चीज़ को, हमारे पास कोई सिस्टम खुला हुआ है, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ डिलीट कर दें, एडिट कर दें, कोई फॉर्मेशन कर दें, कुछ भी कर दें, ये चीज़ें हमारे पास नहीं आती। अब इन्हीं को चीज़ों को, साइबर एथिक्स को हम लेके चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो आजकल चीज़ कॉमन हुई हुई है उसमें हम जो बात करते हैं वो हम साइबर क्राइम की करते हैं। साइबर क्राइम जो होता है ना, क्राइम मतलब होता है जुर्म, और क्राइम का मतलब एक होता है क्राइम आपने वैसे किसी ने जुर्म कर दिया। साइबर क्राइम का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर के थ्रू आपका काम हो रहा होता है ना, वो आपका साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम इज़ अ क्रिमिनल, एक ये क्रिमिनल है, टाइप ऑफ क्रिमिनल है जो कि एक्टिविटी आपकी होती है। साइबर क्राइम इज़ एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी जो कि आपके डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट है, आपके इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, और जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के उस पर डिपेंडेंट है, डेट इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक इंडिविजुअल बंदा भी एक ऐसी एक्टिविटी है कि जो आपके जो है एक इंडिविजुअल भी कर सकता है, यानी कि एक अकेला बंदा भी कर सकता है, या ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, वो भी मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निकल स्किल्स होती है, ऐसी लोगों को महारत होती है कि वो कहीं पे भी बैठे हों, रिमोटली या कहीं पे भी बैठे हों, उनके पास ऐसी टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि आपका सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपको कोई ऐसी मेल को कोई इस तरह का काम या कुछ भी इस तरह का भेज देंगे कि सारा सिस्टम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है ना। ये हाईली ऑर्गेनाइज, और ये पूरी ग्लोब में है, पूरी दुनिया में ये जो है ना ये फैलता जा रहा है, ठीक है जी। इसकी जो एग्जाम्पल है वो साइबर बुलिंग है, फिशिंग ईमेल्स हैं, मालवेयर है, और उसके अलावा जो है आपके पास आइडेंटिफाइड थेफ्ट है, एक्सेट्रा, बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं वो साइबर क्राइम में आ जाती है।
जिसमें ये आपके पूरे ग्लोब में भी है, ग्लोब में ये फैलता जा रहा है। और मैंने आपको बताया कि ये ऐसी स्किल्स होती हैं, ऐसी महारत होती हैं कि आप रिमोटली आप जहाँ मर्जी बैठे हो आपके पास ऐसे टेक्निकल स्किल्स होंगे कि आप किसी का कंप्यूटर भी वो कर लेंगे। सेकंड में जो हम बात करते हैं वो हम बात करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में। साइबर बुलिंग जो है सेट ऑफ एक्ट ऑफ डिस्प्ले, इस तरह का आपने काम करना है कि ये काम आपका हो रहा होता है फ़ोन्स पे, टैबलेट्स पे और कंप्यूटर पे, ठीक है जी। उसके ज़रिए ये आपका काम हो रहा होता है कि आपके पास जो है थ्रू SMS के ज़रिए कोई मैसेज आपके पास ऐसा आ गया, कोई आपके पास मेल ऐसी आ गई कि आपके ऑनलाइन में सोशल मीडिया में कि आपके जो है ना वो उसका जो है वो कंटेंट ऐसे आपके पास आ जाएगा कि वो साइबर बुलिंग में आ जाएगा। तो साइबर बुलिंग इज़ एन एक्ट दैट टेक प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेल फोन्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, उसके ज़रिए जो है आपकी ही साइबर बुलिंग हो रही होती है। साइबर बुलिंग की अगर हम बात करें तो आपको देखें इसमें अब्यूजमेंट हो जाएगी, आपसे कोई जो है गलत लफ्ज़ों में कोई इस तरह की बात शुरू कर देगा, ठीक है, ह्यूमिलिटी हो जाएगी। और उसके अलावा थ्रेट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपने मेरा काम करना है, हरासमेंट है, और उसके अलावा बहुत सारी इसमें वॉयलेंस आपके पास आ जाएगा और आपके पास जो है ना एनजाइटी है, डिसरिस्पेक्ट है, ये सारी चीज़ें जो मिलके ना साइबर बुलिंग में आपके पास आ जाती हैं। साइबर बुलिंग कहाँ से आपका जो है सेपरेट होता है, क्या रूल्स होते हैं साइबर बुलिंग में? जो है सब कॉमन जो आपके पास चीज़ें प्लेसेस हैं कि जिसकी वजह से साइबर बुलिंग जो है आपका बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। नंबर वन जो है हमारा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आपके पास जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, आपके पास टिकटॉक हो गया और स्नैपचैट हो गई, ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसके साथ आप इस तरह में आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपकी किसी से बातचीत शुरू हो गई, फिर उसके बाद आपके पास वो आपकी जो है आप उसके साथ ऐसा अटैचमेंट आपकी हो गई, फिर वो आपको थ्रेट करना शुरू हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया नंबर वन पे आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास ऑनलाइन आपके पास वो आ जाते हैं कि आपने ऑनलाइन किसी चैट रूम में चले गए, आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म या मैसेजेस वगैरह एक दूसरे को कन्वे करना शुरू कर दिए। ईमेल और आपके पास आ जाती है ईमेल और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह। हम ईमेल के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट में हो जाते हैं, कोई गेम वगैरह इस तरह की खेल ली, ठीक है, उसके ज़रिए हम आपस में कांटेक्ट में हो जाते हैं। और इंटरनेट के हवाले से बात करें तो आपके पास इंटरनेट यूजेस में आपके मैसेजिंग हो गए, मैसेजिंग आपके ऑफलाइन भी हो सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज भी हो सकते हैं, आपको जो है मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं चाहे आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो उसमें कुछ जो मैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हरासमेंट, जिसमें वायलेंस, जिसमें आपकी यानी कि अगर आपने किसी की बात नहीं मानी तो ये सारी चीज़ें आपकी साइबर बुलिंग में आ जाती हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन रोल है वो मैंने आपको बताया है कि हमारा सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टा वगैरह आ जाए। फिर उसके अलावा ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, ईमेल के ज़रिए आपको कोई थ्रेट कर देगा या ऑनलाइन आपके पास आ जाता है। इसी से क्या रिलेटेड से हम बात करते हैं आइडेंटिफाई थेफ्ट। आइडेंटिफाई थेफ्ट का मतलब ये होता है कि एन आइडेंटिफाई थेफ्ट ऑफर्स ये है आइडेंटिफाई थेफ्ट, थेफ्ट को पहचाना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन का काम होता है। इंडिविजुअल में तो मतलब ये है कि अकेला पर्सन है, कि अकेला पर्सन है उसने आपका कंप्यूटर जो है वो किसी तरह यूज़र का पर्सनल जो है इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया। जैसे इसकी एग्जांपल यूँ है, किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड, किसी ने आपका ATM कार्ड को हैक कर लिया, जिसकी वजह से वो आपके आइडेंटिफाई कर लिया आपकी चोरी को, ठीक है ना, आपके किसको आपका ATM का पता चल गया, सोर्स पता चल गया कि ये नंबर है आपका, डेबिट कार्ड का पता चल गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके आइडेंटिफाई थेफ्ट में आ जाती हैं। ये आपका एक ऐसा एक्शन है विच इज़ इंडिविजुअल पर्सन इज़ इन्वॉल्व, कि इसमें आपका जो इंडिविजुअल पर्सन है वो आपका इन्वॉल्व होगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो आपको किसी तरह जो है आपकी इन्फॉर्मेशन को पर्सनली ले लेगा और फिर उसके बाद उसका मिसयूज़ करेगा आपके अकाउंट वगैरह का। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी की। सॉफ्टवेयर पायरेसी इस तरह की इलीगल कॉपीज होती हैं। इलीगल कॉपीज मतलब ये होती है कि जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ने या पब्लिशर्स वालों ने अपनी कॉपीज दी होती हैं, ठीक है, अपनी कॉपीज, अपनी बुक्स या अपने नोट्स वगैरह दिए होते हैं, लेकिन उसके उनसे ऑथराइज उनके पास ऑथराइज होती हैं, आप जो हैं वो अनऑथराइज हैं, आपने वो इलीगल कॉपी का इस्तेमाल किया उनका नाम लेके, यानी कि उनका नाम आपने कैंसिल करके अपना नाम लगा दिया, डेट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। यानी कि आपने ये शो करा दिया, जैसे अगर मैंने नोट्स बनाए हैं तो आपने ये बता दिया कि ये नोट्स तो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ये कमर्शियल और पर्सनल यूज़ दोनों के लिए आपके पास आ जाता है कि आप अपने फिर वो चीज़ों को आप सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ आपके पास सॉफ्टवेयर पायरेसी में आ जाते हैं। हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वो साइबर एथिक्स के बारे में पढ़ा, उसके अलावा हमने बहुत सारे उसके पॉइंट्स हमने चेक किए कि जिसमें आपके पास साइबर बुलिंग था, ठीक है, उसके अलावा हमने जो हैकिंग के बारे में पढ़ा, स्पैमिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। होपफुली स्टूडेंट आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा, इसको जो अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला का हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।